कितने कितने ड्राइवर हैं आपको हिंदुस्तान में मालूम है? 40 करोड़ ड्राइवर हिंदुस्तान में हैं, और आप उनकी गणना आप जो तो हो क्या जाएगा, सिस्टम चरमरा जाएगी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, अमित शाह को झुकना पड़ेगा। 10,000 को नौकरी करने वाला उसमें अपना परिवार बचाएगा चलाएगा कि सरकार के देगा? अभी सरकार क्या करेगा सर, अब 10 लाख रुपए देगा और 10 साल के लिए? तो जब हम एक्सीडेंट करके थाना चौकी भाग जाते थे, कम से कम हमारी जान बच जाए, और भाई वो तो हो ही गया एक्सीडेंट। अब सजा हम भुगतने के लिए थाने भाग जाते थे, अब थाने कहाँ भागेंगे? अब पुलिस वाला अगर पीछे करेगा उसको भी चढ़ा देंगे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आरके निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में रखे गए प्रस्ताव यानी कि भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन कराए गए हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट कानून को लेकर भी उन्होंने परिवर्तन कराए, जिसमें कि कोई भी ट्रक चालक अगर सड़क में चलता है उससे किसी का दुर्घटना हो जाता है तो अगर वो मौके से छोड़कर उस घायल व्यक्ति को फरार हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा और साथ ही कुछ आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर अगर वह ट्रक चालक उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता है तो वहां पर सजा का प्रावधान 5 साल रखा गया है। ऐसे में बता दें दोस्तों कि जब से यह खबर प्रकाश में आई है और जब से संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह प्रस्ताव पास कराया गया है, तब से पूरे देश में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ट्रक चालकों के साथ, ड्राइवरों के साथ मौजूद हैं। इनकी क्या व्यथा है और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे और आपसे, अभी इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बता दें कि इन दिनों पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक चालक हैं उनमें। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, देर नहीं करते, जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे और आपके बीच। क्या शुभ नाम हुआ भैया आपका? सुमित केसरवानी। ये बताइए, अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ट्रांसपोर्ट कानून में जो परिवर्तन कराए गए हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? गलत तो है ये, इसको काला कानून को हटाना चाहिए। गलत क्यों है ये? कि ड्राइवरों के साथ अन्याय है ये। कैसा अन्याय? ड्राइवरों के लिए ये कि ड्राइवर लोग गाड़ी चला रहे हैं, पता चला कि आपने नियम ऐसा कानून लागू कर दिया है, ड्राइवर लोग गाड़ी कहाँ चलाएंगे, हड़ताल कर देंगे हर चीजों को, गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे हम लोग तो मोटर मालिक हैं, जब गाड़ी नहीं चलेगी तो हम लोग के लिए तो नुकसान तो है ही है इसके लिए। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, सबसे बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम संदीप मिश्रा है, लेकिन पूरी जानकारी मेरे पप्पू भैया देंगे। सुन लीजिए, जो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कानून पास कराया गया है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सर ये जो भी काम हुआ है बहुत गलत हुआ है, ड्राइवरों के लिए बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। ये काला कानून हम लोग के बस की बात नहीं है। देखिए मेरे मोटर मालिक लोग जो हैं वो 400 रुपए हमको तनख्वाह देते हैं और मेरे पास 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा काटने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। चाबी फेंको आंदोलन में मैं शामिल हूँ। तो मिश्रा जी क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि ये काला कानून हटा दिया जाए, जैसे पहले था वैसे ही किया जाए वापस। इससे नुकसान क्या है आप लोगों को? नुकसान ये है कि यदि मैं एक्सीडेंट करता हूँ तो मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ तो पब्लिक मुझको मार डालेगी, पब्लिक 100% मार डालेगी, ये तो पक्की बात है। और मैं अगर मान लीजिए मैं उसको ले जाता हूँ तो इतना पैसा कहाँ है मेरे पास? टाइम पे तो पैसा सैलरी मिलता नहीं है, 10,000 रुपए की सैलरी है। छोड़ के ना भागिए ना आप, उसका इलाज करवाइए। छोड़ के अगर मैं नहीं भागना चाहता हूँ, मैं छोड़ के नहीं भागना चाहता हूँ, ये कानून जो नियम है इसको हटाया जाए। अच्छा चलिए मिश्रा जी, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, कानून वापस नहीं लिया गया, तो मिश्रा जी के पास ऑप्शन क्या है? ये 2024 में जो चुनाव है उसमें हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, या तो सरकार झुकेगी, नहीं झुकेगी तो सरकार टूटेगी, या हम सरकार तोड़ देंगे। हाँ, सरकार टूटेगी। दोस्तों ये है ड्राइवरों के यानी कि ट्रक चालकों के, वाहन चालकों के आक्रोश। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेहीलाल गौड़। गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ। क्या जो नया कानून बना है उसका स्वागत नहीं करेंगे? ये स्वागत नहीं, ये स्वागत करने के लायक नहीं है, ये वापस, ये तो गलत कानून है। एक दस कहाँ हम लोग जो है भरेंगे 10 लाख रुपया? नौकरी करने वाला आदमी कहाँ भेजेगा? अरे तो उसमें 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 सजा का प्रावधान भी तो कम किया गया जब आप उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचा। अगर हम उसको व्यक्ति को हम कोशिश करते हैं कि हम पहुँचाने के लिए छोड़ने के लिए, तो वहाँ पब्लिक तो मार डालेगी, तो पहुँचाएगा छोड़ेगा कहाँ से? आगे आ जाए। हाँ पब्लिक
अगर वहाँ से हम कोशिश कर, कोई ड्राइवर ऐसा नहीं है कि रोड पे आएगा तो हम उसको हादसा करेगा, उसको मारेगा, जानबूझ के मारता नहीं है वो, खुद मोटरसाइकिल वाले आगे आते हैं, छोटी छोटी रिक्शे वाले दारू पी के आते, बड़ी वाली गाड़ियों को परेशान करते हैं जो है कि वो खुद आके कूद कर कहीं राइट या कहीं लेफ्ट साइड में घुस जाते हैं तो कितना ड्राइवर बचाएगा वो, हम बचाने के लिए ड्राइवर तो बहुत कोशिश करता है, कहाँ से करेगा वो, बताइए हम 10,000 का नौकरी करने वाला उसमें अपना परिवार बचाएगा चलाएगा कि सरकार के देगा, अभी सरकार क्या करेगा सर, अब 10 लाख रुपये देगा और जाए 10 साल के लिए। अच्छा, बताइए इस कानून का फायदा भी तो है भाई, पब्लिक के सुरक्षा के दृष्टि से कानून बनाया गया है कि कोई भी जो ड्राइवर होगा कम से कम उसमें डर होगा और गाड़ी को बड़ी संयम से चलाएगा और आराम से चलाएगा। ड्राइवर को हमेशा डर रहता है, वो हमेशा बच के चलता है, कभी ये भूल नहीं है, दूसरे का सोच गलत है ये जो सोच रहे हैं, लेकिन ड्राइवर को हमेशा वो हमेशा चलता है। चलिए ठीक है, चाहते क्या हैं आप? हम ये काला कानून वापस लें, अगर नहीं वापस हुआ तो नहीं आता, हम लोग जवाबदारों का चाबी फेंक देंगे, लाइसेंस तोड़ देंगे, हम लोग डीजल का कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, समझ लो सब गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, सप्लाई कहाँ चरमरा जाएगी। इधर आइए इधर आइए, क्या नाम हुआ चाचा? जितेंद्र केसरवानी। ये बताइए जो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नया कानून संशोधन करवा के बनाया गया है तो उसमें खराबी क्या दिखती है आप लोगों को? खराबी खराबी है, क्या खराबी? अच्छाई क्या ये आप बताइए। अच्छाई ये है, मैं बताना चाहूंगा, अच्छाई ये है कि जब से यह कानून लागू हो गया है, हो जाएगा, उसके बाद से ड्राइवरों में कम से कम डर का माहौल रहेगा और गाड़ी को बड़े नियंत्रण से चलाएंगे, हादसे कम होने लगेंगे। डर से जो ड्राइविंग अच्छी होती है किसने बताया? डर से ड्राइविंग अच्छी होती है, बिल्कुल भाई संयम से गाड़ी चलाएंगे, कोई हादसे नहीं होंगे। अरे दारू पीने वालों के ऊपर पाबंदी लगी हुई, सड़क पे खुलेआम दारू पीते, कौन सा डर है? सामने से आके कूद जाएंगे तो कौन सा डर है पब्लिक के अंदर? खूबियां तो मैंने बता दी, आप कमी बताएं कि कमी क्या है इसमें? कमी ये है कि जो ड्राइवर एक जो मिडिल क्लास क्या खाएगा, क्या जो सरकार को देगा, क्या जो पेनल्टी भरेगा? सरकार जो ऐसा कानून ला रही है, काला कानून वापस हो, 2024 के चुनाव में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा 2024 के चुनाव तक पहुँच जाएगा? बिल्कुल। क्या करेंगे आप लोगों के, चंद लोगों से हो क्या जाएगा? 24 करोड़। कितने कितने ड्राइवर हैं आपको हिंदुस्तान में मालूम है? 40 करोड़ ड्राइवर हिंदुस्तान में हैं और आप उनकी गणना आप जो हो क्या जाएगा? सिस्टम चरमरा जाएगी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, अमित शाह को झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुके तो आंदोलन होगा, आज यहाँ कल दिल्ली में होगा। चाहते क्या है, क्या चाहते हैं आप? बस कानून वापस हो जाए, और क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अनिल यादव नाम है हमारा। गाड़ी चलाते हैं? हाँ चलाते हैं। ये बताइए 24 घंटा चलाते हैं, यही 18 घंटा यही चलाते हैं गाड़ी। तो कानून में कमी क्या है आपको? अरे बहुत बहुत कमी है, बहुत कमी है, क्या सही है आप बताइए? आप गाड़ी चला, हमारी बात सुनिए पहले, आप गाड़ी चलाते हैं? हम गाड़ी नहीं चलाते लेकिन अनुभव है। आपके घर में कोई चलाता है? कोई नहीं चलाता, मैं खुद चलाता हूँ। चलाते हो ना, तो आप जब रोड पे चलते हो तो आप डरते हो? आपको डर लगता अपने आप से? अपने आप से डर लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है भाई, कि हम गाड़ी लेकर निकलेंगे किसी का जो है। हाँ तो यही सोचो हर आदमी, अगर हम भी निकलते तो हमारे अंदर ये इंसानियत है यार, जान है यार। हम लोग खाते पीते हैं, अन्न खाते हैं, कोई ऐसे नहीं, हम लोग कैसे कुचल देंगे यार? एकाएक कोई आगे आ जाता है तो आप क्या करते हो? तो आप कमियां बताइए। अरे कमियां बहुत सी, यही कमियां ही तो है यार भाई। अरे भैया ये कमियां ही है, ये कमियां ही तो है ना, और क्या है बताइए? हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के ड्राइवरों को आप उठा करके एक्सीडेंट रोड रेस की मामला देखेंगे, 99% जो गलतियों से होता है एक्सीडेंट, कोई जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता। रोड पे आदमी जा रहा है, पब्लिक जा रही, मेरी क्या उससे दुश्मनी? एक के बिल्ली या क्यों एक्सीडेंट करेंगे? जो है हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने कानून को ध्यान से समझा नहीं होगा, उसमें एक प्रावधान और है, दूसरा स्टेप, कि अगर आप उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। हमने चुंगी पे अभी 15 दिन पहले चुंगी पे एक्सीडेंट हुआ, आइसक्रीम वाले को अप्पे वाले ने मारा, हमने स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले आया अपने पैसे से, उसको आदमी दम तोड़ दिया, खत्म हो गया, 58 साल का बुजुर्ग था, मेरे पास पूरा वीडियो है, आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और कोई ये झूठ है, ये सरकार झूठ है, कोई सम्मान नहीं मिला यार, हम आपको प्रूफ देते हैं, आप प्रूफ लीजिए फिर काम करिए, कोई फर्जी काम नहीं है, सही बात कर रहा हूँ, 15 दिन पहले की बात है,
क्या ये क्या है बताइए, आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं गलत है सरकार, ये गलत है यार, नियम यार नियम गलत है, कानून वापस होना चाहिए। अगर नहीं वापस हुआ, अरे नहीं वापस हुआ है 2024 में आपको दिख जाएगा। क्या दिखाएंगे? अरे बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। अगर गाड़ी चलाना जानते हैं, सरकार बदलना जानते हैं। अरे तो इसी बात को आप लोग कायदे से जो है पेश कर सकते हैं, धरना देने की क्या? अरे अरे यार वो सुनेंगे, सुन रहे हैं, मर जा रहे हैं, कोई सुन रहा है? सुन रहा है कोई? बताइए, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना, आप देखिए, डालिए आप, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हमने हमारी बात सुनिए, हमने थाने पे दरोगा को ये वीडियो भेजा है, देखिए अभी तक दरोगा देखा नहीं है, हमारी बात सुनिए। आप सम्मान की बात करते हो यार, सम्मान की बात करते हो? हमको यार पैसा नहीं चाहिए, हमारे इतना दम है कि हम कमा सकते हैं। अभी तो आप सरकार की अवहेलना कर रहे हैं, बता रहे सरकार कमी है। यहाँ पर 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, पूरा देश राममय हो गया। अरे यार भाई साहब, नहीं राम उन्हीं के हैं, हम नहीं जानते, हम भी अनिल यादव हमारा नाम है, हम भी राम को भी जानते हैं, कृष्ण को भी जानते हैं। राम मेरे नहीं है क्या? कम से कम उद्घाटन तो हो जाने दीजिए, उद्घाटन हो जाइए, तब तक जो हम लोग भूखे मरे, हम लोग यहाँ खाने के लिए मरे, हर आदमी खाने के लिए मरे। और आप रस मलाई, आप चोरूम, इधर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इधर आए, सामने आए, आप बोलिए, आप वहाँ रस मलाई खाए, यहाँ सब भूखे मरे, ड्राइवर जितने हैं तो वहाँ रस मलाई बटेगी और क्या। जब वहाँ पे बड़े बड़े आदमी जाएंगे, बड़े गरीब आदमी जा सकता है क्या? तो आप भी जाइए, आपको कौन रोका है? फिर वही, जब हम लोग कमाएंगे नहीं, पैसा नहीं होगा, जाएंगे कहाँ से, कैसे जाएंगे, क्या चीज से जाएंगे? ये बताइए, इस नए कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? कानून बहुत गलत है, गलत है, हाथ जोड़ रहे हैं इसे कानून से। हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, 2014 में वोटिंग की है, हम यादव हैं, हम अखिलेश यादव नहीं वोट किए थे 2014 में, लेकिन अब पूरी तरह से अखिलेश को लाएंगे, याद रखिएगा। अखिलेश घंटा नहीं आ पाएंगे, सुन लो, अब सुनो, इधर आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शांतनु मालवी है। जी जी, और हमारे भी यादव भाई लोग दोस्त हैं, और सब हम लोग दोस्त हैं, सब दोस्त हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है। राजनीतिक परचर्चा पे हम बातचीत नहीं करेंगे, हम मुद्दे बात करते हैं। इधर आ जाए भाई साहब, इधर आए। क्या नाम हुआ आपका? राकेश नाम मेरा है। राकेश जी, ड्राइवर हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? छोटा हाथी चलाते हैं। छोटा हाथी जी हाँ, मैजिक चलाते हैं। यानी कि दोस्तों बता दें कि छोटे से लेकर बड़े वाहन तक के जो चालक हैं वो कहीं ना कहीं हताहत है, परेशान है। क्या चाहते हैं आप? भैया ये कानून बंद होना चाहिए भैया, हम लोगों के लिए सुविधा कुछ है, कानून वापस होना चाहिए, ये काला कानून है। ये ड्राइवर के लिए क्या सुविधा है? इंश्योरेंस कराते 20,000-25,000, क्या इसमें हमारा क्या फायदा है? आपको सुविधा नहीं है क्या? सुविधा इसमें इंश्योरेंस कराते हैं, बताइए क्या सुविधा इसमें हमारा, क्या सुविधा है बताइए? 10 लाख यहाँ से पाएंगे? सुन लीजिए, सरकार ने मान लीजिए जो कानून गृह मंत्री अमित शाह ने जो पास कराया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया होगा, पब्लिक की सुरक्षा के दृष्टिगत, पब्लिक के सुरक्षा के दृष्टिगत ही तो बनाया है। क्या ड्राइवर की सुरक्षा क्या है बताइए? अरे कि देखिए, जब से ये कानून आ गया है, मान लीजिए लागू हो जाएगा, ड्राइवरों में एक भय का माहौल होगा, ना तो कोई पीकर गाड़ी चलाएगा, और सब लोग संयम से गाड़ी चलाएंगे, कोई रफ्तार से नहीं चलाएगा। संयम से चलाते हैं भैया, ड्राइवर कोई मारना चाहता किसी को? दुश्मन है हमारा, वो जो चल रहा दुश्मन थोड़ी हमारा, वो हम दुश्मन थोड़ी हमारा, वो गाड़ी चलाता, मुझसे कभी एक्सीडेंट नहीं होता। इधर आइए। हाँ, क्या नाम हुआ? बबलू केसरवानी। ये बताइए, जो नया कानून जो बना है, इसमें क्या क्या कमियां नजर आ रही हैं आप लोगों? इसमें कमियां ये है कि पहले एक्सीडेंट हो जाता था, तो हम लोग तो गलतियां तो रहती नहीं थी, ये तो आप सबको भरोसा, कोई जानबूझ के नहीं लड़ाएगा जी। तो जब हम एक्सीडेंट करके थाना चौकी भाग जाते थे, कम से कम हमारी जान बच जाए, और भाई वो तो हो ही गया एक्सीडेंट, अब सजा हम भुगतने के लिए थाने भाग जाते थे, अब थाने कहाँ भागेंगे? अब पुलिस वाला अगर पीछे करेगा उसको भी चला देंगे, क्यों वहाँ भी भागेंगे यहाँ भी भागेंगे? दोस्तों इनकी बातें मैं समझ चुका हूँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इनके कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जब 2 साल की सजा का प्रावधान था, जब कोई हादसा होता तो हम भागकर अपने बचाव के लिए थाने पहुंच जाते थे, लेकिन अब जो नया कानून बनाया गया है
उसमें अगर ये उस घायल व्यक्ति को बचाते हैं तो पब्लिक मार डालती है, और अगर थाने भाग के जाते हैं तो पुलिस पुलिस मार डालेगी। अब पुलिस भी नहीं छोड़ेंगे, ड्राइवर को मरर है, इसलिए अब हम बदमाश हो गए, काउंटर लेवल के हो जाएंगे। उस समय एक भी एक्सीडेंट मेरा होता है अगर धोखा से, पहली बात तो होगा नहीं, ऊपर वाला चाहे तो कोई के ना हो, अगर धोखा से हो गया तो मैं भागूंगा। क्योंकि दो चार आदमी देखे, कई प्रमाण बताता हूँ कि मुझसे कोई साइकिल वाला भी ठोक जाता था तो रोक के उसको उठा दे, चोट न लगे, लेकिन उस साइकिल वाले को बचाने चक्कर में 10 लोग मेरा ही कॉलर पकड़ लेते हैं। क्यों भाई, कैसे कैसे देखता नहीं है। तो अब क्या होता, कारण है कि भाग के थाने जाते थे कि चलिए पुलिस वाला दो चार लाठी मारेगा, सजा होगी तो वो भोग लेंगे। अब क्या है, अब ये कानून में है कि हमें अब भाग के जाएंगे थाना तो 10 लाख रुपया घर में कहाँ होगा, 5 लाख जो भी जुर्माना है, और 10 साल जेल काटेंगे। 45-50 साल को हो गया तब तो आग की रोशनी चली जाएगी, सब भूखों मर जाएंगे। मैं जब छोटी गाड़ी चलाता हूँ, सोच लीजिए कितना दर्द है कि छोटा, या कानून में इतना सही सजा होना चाहिए आम ड्राइवर। अब गाड़ी नहीं चलाएंगे भाई, क्या करेंगे, कहाँ चलाएंगे, इतनी गाड़ी है। अच्छा, ये गाड़ी नहीं चलाएंगे, सुनिए 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 सुनिए, गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने तो नुकसान कर रहे हैं। अपना नुकसान, अरे हमें अभी दम है, हमारा कोई नुकसान नहीं, चलाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी अबे हमें कौन गवर्नमेंट, हमें कौन गवर्नमेंट सर्विस देती है, कौन तनख्वाह देता है हमको, गवर्नमेंट बताइए। ए मेर, हम ये गाड़ी चला के कमा लेंगे इससे, और पैसा वाली टाली, मजदूरी भल है, ड्राइवरिंग भल नहीं है, हम मजदूरी करके 500 कमा लेंगे, लेकिन जान 10 साल के लिए जेल नहीं जाएंगे।